विश्व कप को शुरू होने में अब बस 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से विश्व कप को लेकर नए नए ड्रामे हर रोज देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के बीच कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि एक दिन पाकिस्तान की सरकार कुछ और बयान देती है तो अगले दिन पाकिस्तानी कप्तान कुछ और बयान दे देते हैं। एक दिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि वो विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगी तो अगले दिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ये कह देते हैं कि वो विश्व कप खेलने भारत आएंगे। अब यहाँ पर एक और नया ड्रामा शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से विश्व कप को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है उसे जानने के बाद तो विवाद होना तय है। दरअसल में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक विश्व कप न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान की टीम विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी। इस बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि मेरी निजी राय यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे मंत्रालय के भीतर आता है और मेरी डिमांड ये है कि जैसे वो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, हम भी वर्ल्ड कप के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, बल्कि जिस तरह से एशिया कप के मुकाबले भारत के लिए श्रीलंका में आयोजित किए गए हैं वैसे ही पाकिस्तान के लिए विश्व कप के मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए जाएं। इस पर विवाद अब खड़ा होना तय है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है कि वो भारत में विश्व कप खेलने आएगी और इस बीच अब ऐसे विवाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी नुकसान पहुंच सकता है। शहबाज शरीफ ने विश्व कप को लेकर यह कहा है कि उन्होंने 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है और यह कमेटी तय करेगी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व कप खेलने जाएगी या नहीं। इस कमेटी के बारे में बात करते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसान मजारी कहते हैं कि इसके अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, इसके अलावा मेरे साथ और 11 मंत्री इसका हिस्सा हैं। ऐसे में हम इस पर बात करेंगे और फिर इसे पीएम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कभी विश्व कप में वो हिस्सा लेने के लिए अपनी सरकार पर टाल मटोल कर देती है तो कभी पाकिस्तान की सरकार भारत में ना आने का प्रस्ताव रखती है, तो वहीं कभी पाकिस्तानी कप्तान ये कह देते हैं कि ये सब बेफिजूल की बातें हैं, हम भारत आकर सभी टीमों को टक्कर देना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से इतनी सारी प्रतिक्रियाएं एक विश्व कप को लेकर कहीं ना कहीं विश्व कप को उलझाने का काम कर रही हैं। एशिया कप का विवाद सुलझने के बाद अब पाकिस्तान का निशाना वर्ल्ड कप पर है। वर्ल्ड कप को पूरी तरह से विवादों में फंसाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम क्या विश्व कप खेलने आती है या फिर उससे पहले पाकिस्तान इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा करके ओडीआई वर्ल्ड कप को संकट में डालता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।